मेरे साथ कहेंगे हाथ ऊपर करके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, हिंद। बर्फीली ठंड, शून्य से नीचे 10 डिग्री 15 डिग्री, और ऐसी चोटी को चढ़ान लांघते हुए ऊपर जाना और पाकिस्तान सेना के साथ लड़ाई करना, और लड़ाई करते करते जब उसके मित्र ने पूछा कि कैप्टन विक्रम ये लड़ाई बहुत कठिन है, कैप्टन विक्रम ने कहा कि मैंने तो पहले बार कहा था कि दिल मांगे मोर, और कैप्टन बात्रा ने पिछले एक दिन पहले यह कहा था कि मैं अगर 4875 की ऊंचाई पे जा रहा हूं, करीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पे जा रहा हूं, तो मैं एक तो वहां पर अपने देश का ध्वज यानी तिरंगा फहरा कर आऊंगा, या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा आप लोगों की याद में रहने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि ये देश अगर सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है हमारे जवानों के वजह से, इन जवानों का बलिदान हम कभी व्यर्थ न होने देंगे। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि जो ये हिंदुस्तान में क्षमतावान है, जिसकी कमाई 1,000 रुपए से लेके अगर 1 करोड़ तक है, उसने दिन का 1 रुपया हमारे सेना के कल्याणकारी निधि में देने की आवश्यकता है। यहां पर बैठे हुए 4,000 लोगों से मैं अपील करता हूं कि जिस दिन आप ये कार्यक्रम होने के पश्चात बाहर जाओगे तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो ऐप है, उस ऐप पे जाते समय आपने 1 रुपया दिन का वहां पर हमारे सैनिक कल्याण निधि में देना, ये हमारा आज का उद्देश्य होगा जो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। 8.5 लाख से 25 लाख, 25 लाख से 50 लाख, और 50 लाख से पिछले 8 दिनों में 1 करोड़ रुपयों की राशि हमारे सैनिकों के घर में पहुंचाना, यह हमारे मुख्यमंत्री महोदय का काम है। और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि कारगिल विजय दिवस की ये यात्रा न यहां पर थमते हुए पूरे देश में जाएगी। हमारे वीर सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना हर हिंदुस्तानी कार्यकर्ता और हिंदुस्तानी नागरिकों के दिल में हो, यही आज का हमारा उद्देश्य होगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। श्री सुनील राणे ने जो आपको विस्तार में कई शूरवीरों की कहानी बताई, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये एक ट्रेलर है केवल। यदि कभी हमारे दुश्मन को पूरी पिक्चर देखनी पड़ी तो उसका क्या हाल होगा आप इस ट्रेलर से जान सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दुनिया में पहले लोग ये कहते थे कि अमेरिका और इज़राइल ये दो ऐसे देश हैं कि जिनके सैनिकों पर अगर हमला होता है तो वो हमलावरों को कभी छोड़ते नहीं है। अब दुनिया कहती है कि इसमें तीसरा देश जुड़ गया जिसका नाम भारत है, कि जिसके सैनिकों को अगर कोई उन पर हमला करने की कोशिश करे तो उसकी फौज में ये ताकत है कि वो फौज कभी उसको छोड़ती नहीं है। और इसलिए ऐसी फौज को, हमारे सभी सेनानियों को मैं सलाम करता हूं। भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, ये हमारी संस्कृति भी नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको हमारी कमजोरी समझे तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ताकत ये भारत ने हमेशा रखी है। और मैं ऐसा मानता हूं कारगिल विजय दिवस हम सब लोग मनाते हैं ताकि हम लोग ये याद रखें कि आज हम सारे सुकून से जी रहे हैं, क्योंकि कई हमारे सैनिकों ने, हमारे अधिकारियों ने अपने प्राण त्यागे, शहादत दी, और उसके कारण हम लोग इस दिन को आज देख रहे हैं। मैं सुनील राणे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके परिवारों को जो हम लोग मदद करते हैं, महाराष्ट्र में पहले केवल 5 लाख मिलते थे, मैं आया तुरंत 8 लाख किए, उसके बाद हमने 25 लाख किए, फिर 50 लाख किए और फिर 1 करोड़ किए। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये करने की प्रेरणा अगर मुझे कहीं मिली तो सुनील राणे जी के कार्यक्रम में मिली।